हाय गाइस, वेलकम टू पूसा ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ पूसा ऑनलाइन क्लासेस में। माय नेम इज़ आदित्य वाधवा और मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं क्लास 11th और क्लास 12th को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा पूसा ऑनलाइन क्लासेस पर। सो लेट स्टार्ट। अभी हम एक ओरिएंटेशन वीडियो है ये वाली, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स होता क्या है, सिंस आप सब लोगों के लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। इट्स जस्ट लाइक स्टार्टिंग विद द ABCD। सो अकाउंट्स का ABCD से लेकर सेंटेंस फॉर्मेशन से लेकर पैराग्राफ राइटिंग तक सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अकाउंट्स में आगे होने क्या वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग, मेरे को पता है इस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन होती है, साइंस लें या कॉमर्स लें। कुछ बच्चों ने डिसीजन ले लिया होगा, कुछ अभी भी कन्फ्यूज होंगे। तो जो थोड़े से कन्फ्यूज हैं, शायद इस वीडियो के बाद उन लोगों को पता लग जाए कि उनको लेना क्या है और क्या नहीं लेना है। सो बिफोर बिगनिंग, बिफोर द ओरिएंटेशन क्लास, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ। सिंस मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, तो मैं आपको एक बेटर आइडिया दे सकता हूँ कि कॉमर्स में होता क्या क्या है। सो लेट सी कॉमर्स में क्या है, साइंस में क्या है। साइंस का मेरे को ज्यादा नहीं पता है, बट स्टिल मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। कॉमर्स हमारा जो होता है और जो हमारा अकाउंटेंसी फाइनेंस होता है, ये हमारा बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर जो भी रियल लाइफ में हो रहा है हम रिलेट कर सकते हैं। आपको सब पता लग जाएगा, जो हमारे मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, या जो भी इकोनॉमी में हमारा चल रहा है, करेंसी रेट क्या होता है, डॉलर्स क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इकोनॉमिक्स के थ्रू, बिजनेस स्टडीज के थ्रू, अकाउंटेंसी के थ्रू। एवरीथिंग गोज इन हैंड। सो इससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा। और जितने भी हम कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, हम फ्यूचर में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रादर देन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स। हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, बहुत सारे अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, MBAs होते हैं, बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, CEOs होते हैं। हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज। हमारा बेसिक काम होता है सर्विसेज देना। और अब साइंस में क्या होता है, साइंस आपका बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक। हर जगह जहां पे भी लॉजिक लग रहा है वो हमारा साइंस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायो, इनफैक्ट सब जगहों पे यहाँ पे लॉजिक लगता है। और ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, एक्सेप्ट फॉर द डॉक्टर पार्ट, एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु विल टेक बायोलॉजी। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सारा आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इट विल टेल यू अबाउट प्रोडक्ट्स। आप नए नए प्रोडक्ट्स का आविष्कार करते हो, नई नई टेक्नोलॉजीज बाहर आती हैं, तो साइंस का यहाँ पे ये रोल होता है। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं, दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। अगर हमारे को प्रोडक्ट्स बना के दे देंगे साइंस स्टूडेंट्स, तो कॉमर्स जरूर चाहिए होती है उनको बेचने के लिए, उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनकी एंट्रीज करने के लिए। एंड सेम वे, अगर हमारे पास सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स नहीं है, तो उन सर्विसेज का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है हमें, कोई फायदा नहीं है। जब तक प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, हम सर्विसेज कैसे बना सकते हैं। सो आई होप थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि कौन कैसे लाइफ में आगे करना चाहता है। तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा देख लीजिएगा आपको क्या सब्जेक्ट चूज करना है। प्लस अभी मैं इसके अंदर और चैप्टर्स क्या क्या हैं, क्या क्या कोर्स है, वो सब बताऊंगा, तो उससे और बेटर आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। सो मूविंग ऑन, क्लास 11th। अब क्लास 11th की यहाँ पे बात चल रही है, क्लास 11th का ट्रिक, क्लास 11th में अकाउंटेंसी का हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकअप क्या है हमारे एग्जाम का। हम सबको पता है 100 मार्क्स का एग्जाम आता है, जिसमें से हमारा 80 मार्क्स का थ्योरी पार्ट है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। बाय सेइंग थ्योरी 80 मार्क्स का, इट डज नॉट मीन कि हमें पैराग्राफ्स लिखने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं। इट मींस कि 80 मार्क्स का आपका फुल फ्लेज्ड एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट 20 मार्क्स विच आर योर इंटरनल असेसमेंट, जिसको हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं। थ्योरी का मतलब यहाँ पे कन्फ्यूज मत हो जाना कि 80 मार्क्स की थ्योरी थ्योरी आती रहेगी, इसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। लेट्स मूव ऑन, देखते हैं क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या नई नई चीजें हैं और कैसे कैसे आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। सो टेलिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न फॉर CBSE स्टूडेंट्स, आई एम ओनली टेलिंग द एग्जाम पैटर्न ओवर हियर फॉर CBSE स्टूडेंट्स। CBSE ने क्या प्रेफरेंस दिया हुआ है और क्या पैटर्न दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको वो बताने वाला हूँ। सो हमारे 5 तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर एंड 8 मार्कर। जो हमारे 1 मार्कर होते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन में हॉट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप कहोगे, बच्चे कहेंगे सर ये हॉट्स क्या होता है, हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। CBSE ने बोल रखा है कि 20% जो आपका पेपर आएगा, एग्जाम आएगा, उसमें आपके हॉट्स जरूर होंगे। सो विल डू कवर दैट हॉट्स एवरी चैप्टर में। और ये 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर्स में, इनमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलती आपको, ये सारे के सारे अटेंड करना कंपल्सरी होते हैं। उसके बाद जो हमारे बाकी के क्वेश्चन है 3 मार्कर 4 मार्कर, वो मैंने बता दिया कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये इसके अंदर आपको हमें इंटरनल चॉइसेस मिल जाती हैं, एक्सपेक्टेड होती हैं।
कि सारे क्वेश्चंस में मिलेंगी या कुछ क्वेश्चंस में मिलेंगी, बट मिलती जरूर है कहीं ना कहीं. बट अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि चॉइसेस आएंगी तो मैं ये चैप्टर छोड़ दूं या मैं कोई चैप्टर छोड़ दूं. सपोज अगर 15 चैप्टर है, आप कहो कि मैं 13 कर जाऊं क्योंकि चॉइसेस तो आएंगी ही, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो. बच्चों अगर ए से जेड तक नहीं सीखा ना अपने अल्फाबेट्स, तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं या वर्ड फॉर्मेशन में गलती करोगे ही करोगे. आपको एक एक चीज करनी पड़ेगी. अगर आज यहाँ पे छोड़ते हो, ट्वेल्थ में आपका जरूर आएगा. कहीं पे भी कोई भी चैप्टर जो इलेवेंथ में है आपके लाइफ टाइम साथ नहीं छोड़ेगा. जब जब आप कॉमर्स के रहोगे तब तक आपको ये चैप्टर आपके साथ रहेंगे. अब टोटल हमारे 32 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स का एग्जाम है. 3 आवर्स मिलते हैं आपको ये 32 क्वेश्चंस करने के लिए. तो मैं चैप्टर करते करते आपको साथ साथ बताता रहूंगा कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा और कैसे होगा. बट अभी के लिए मैं आपको एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या आपका मार्क्स रहेंगे, कितने आपके क्वेश्चन आएंगे. अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे जब हम आते हैं तो आगे हमारे चैप्टर्स आ जाते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, कोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और सिलेबस में हमारे क्या क्या है फॉर क्लास 11th. अब सबसे पहला चीज इंट्रोडक्शन बेसिक्स एंड थ्योरी. ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले हम कोई भी नई चीज़ पढ़ेंगे तो हमें उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे पहले, और उसके बाद हमें बेसिक्स एंड हमारी जो थ्योरी पार्ट है. अच्छा, बिफोर बिगनिंग विद दिस मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि बुक्स में कौन कौन सी पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ. T.S. ग्रेवाल एंड हमारी जो दूसरी बुक होने वाली है वो होगी D.K. गोयल. ये दोनों की दोनों बुक्स बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं. अगर आपके आसपास नियर बाय शॉप्स पे आपको नहीं मिलती हैं ये बुक्स, तो आप इन बुक्स को Amazon, Flipkart या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हो. वहां पे आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी. एंड बच्चों प्लीज ट्राई करना कि लेटेस्ट एडिशन 2019 वाला एडिशन यूज करो, क्योंकि अब GST का भी थोड़ा बहुत बेसिक्स हमारे सिलेबस में है. अगर आप पुरानी बुक्स लोगे तो आपको GST के बारे में नहीं पता लगेगा, और जो मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताऊंगा या इलस्ट्रेशन बताऊंगा तो आपकी बुक में वो इलस्ट्रेशन नंबर अलग होगा. मे बी कभी आप मैच ना कर पाओ या आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि सर तो इलस्ट्रेशन 15 करा रहे हैं बट मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 15 कुछ और है. सो मेक श्योर कि आप न्यू बुक्स परचेज करिए. अब आते हैं सिलेबस पे. अब सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन बेसिक थ्योरी. जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी नई चीज को पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है. उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन. अब जो भी हम इंट्रोडक्शन बेसिक्स में नए नए टर्म्स पढ़ेंगे, क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किस चीजों पर बेस्ड होती है हमारी अकाउंटेंसी, वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में अपना बहुत बेसिक सा एक सीखेंगे. हमारे न्यू कुछ टर्म्स होंगे, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, जो शायद आपने पहले मे भी कभी सुने हो, नहीं सुने होंगे तो आप सुनोगे. उसके बाद हम उन टर्म्स को यूज करेंगे और कुछ ना कुछ इक्वेशन बनाएंगे. मैथ्स में आप अभी तक इक्वेशन बनाते आ रहे थे, अकाउंट्स में बहुत सिंपल बेसिक्स इक्वेशंस होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं. मूविंग ऑन, न्यू टॉपिक इज उसके बाद जो होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट वर्ड और क्रेडिट वर्ड आपने ये बहुत बार सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने लाइफ में भी इसको सुना होगा, डेबिट और क्रेडिट को. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट मैंने जैसे कि बताया, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, बोलते ही हैं लोग. तो डेबिट एंड क्रेडिट को हम कैसे यूज करते हैं, होता क्या है डेबिट, होता क्या है क्रेडिट, ये सब सीख के हम क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज. जिन बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं उन बुक्स को बोला जाता है जर्नल्स. और उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो किस रूल्स के साथ बनती हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के साथ बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज हमारे सबसे बेसिक चीज है अकाउंट्स की, जहां पे हमारा सबसे पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लगेगा, यूज होगा. ये बहुत बेसिक फॉर्मेशन है किसी भी चीज का, ये बहुत प्रिलिमिनरी चीज है, सबसे बेसिक चीज है. अगर आप प्लांट उगाते हो तो प्लांट में जो सीड्स का रोल होता है ना, वही जर्नल एंट्रीज का अकाउंटेंसी में रोल होता है. अगर किसी बच्चे को ये नहीं आई ना तो उसकी बुनियाद पक्की नहीं बनेगी. जर्नल एंट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी. नाउ मूविंग ऑन, जर्नल एंट्रीज के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है लेजर. लेजर क्या होता है, जर्नल एंट्रीज जिसने बना ली उसके लिए लेजर बहुत बेसिक चीज है. जर्नल एंट्रीज का एक अलग फॉर्म होता है लेजर कहते हैं हम उसको. हम जर्नल एंट्रीज जो भी बनाते हैं उनको हम पोस्ट करते रहते हैं किसी ना किसी लेजर अकाउंट में, तो उसी का जर्नल एंट्रीज का एक फॉर्म होता है, डिफरेंट फॉर्म होता है जर्नल एंट्रीज का, फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज. बहुत बेसिक चीज है जर्नल एंट्रीज. हमारी जो डे टू डे पे ट्रांजैक्शंस होती रहती है उनको रिकॉर्ड कैसे करना है बुक्स में, वो होता है, बहुत बेसिक होता है. फिर इन्हीं डे टू डे एक्टिविटीज जो हमने रिकॉर्ड करी है इसको यूज करके हम आगे बढ़ते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक.
Next topic is bank reconciliation statement, in short which is also called BRS. बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नाम के हिसाब से. अगर आप देखोगे तो बैंक, बैंक क्या होता है, बैंक हमारा आपको पता है बहुत सारे बैंक है हमारे इंडिया में. और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, रिकंसाइल का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज के बराबर लाना. अब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और जो बैंक में अकाउंट चल रहा होता है बैंक उसकी कुछ रिकॉर्डिंग करता है और हम अपनी बुक्स में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कि हमने किसी बंदे को चेक दिया, बैंक भी रिकॉर्ड करेगा कि चेक आज क्लियर हो गया. तो अकॉर्डिंगली हमारा बैलेंस कई बार अलग होता है, बैंक का बैलेंस कई बार अलग होता है. तो रिकंसाइल करने के लिए हम उनको बराबर लाने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. अकाउंट्स में जो होता है ना, हम फुल फ्लेज्ड भी होते हैं हमारे अकाउंट्स जो बनते हैं एकदम एंड में, उससे पहले हमें पार्ट्स करने होते हैं कि फुल फ्लेज्ड तक पहुंचा कैसा जाए. तो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स को बना करके हम एक बहुत बड़ा सा अकाउंट्स का क्वेश्चन बन जाता है या पूरा अकाउंट्स का हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है. सो पार्ट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आगे आएगा. अगर आप ये लेटर से वर्ड्स बनाना सीखोगे, वर्ड्स बनाने से फ्रेजेस, और फिर फ्रेजेस के बाद आप सेंटेंसेस सीखोगे और उसके बाद आप पैराग्राफ्स बनाओगे, तो पैराग्राफ तक जाने के लिए आपको ये वर्ड्स और फ्रेजेस आने चाहिए. कमिंग ऑन टू ट्रायल बैलेंसेस. अब ट्रायल बैलेंस हमारा जो नया टॉपिक है यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी जर्नल के बाद जो लेजर बनते हैं, फिर लेजर के जो बैलेंसेस बनते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पहुँचते हैं, ट्रायल बैलेंस में पहुँचते हैं. ट्रायल बैलेंस में हमारी एक समरी होती है कि हमने क्या क्या किया है. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है. नाउ कमिंग ऑन टू डेप्रिसिएशन. व्हाट इज माय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन आपने लाइफ में सुना होगा. अप्रिसिएशन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. एंड डेप्रिसिएशन की जहां तक बात करें, इसका मतलब होता है नॉर्मल वियर एंड टियर. आप जनरली आप क्या करते हो, अगर आप कोई गाड़ी है आपके पास, कोई भी व्हीकल है, स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है, अगर आप उसको चलाते हो तो उसका हर साल कुछ ना कुछ नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, तो उस हिसाब से हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं. अगर आज आपने 50,000 रुपए की कोई स्कूटी ली है सपोज, तो नेक्स्ट ईयर आपको भी पता उसकी वैल्यू 50,000 तो नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी. बट कितनी कम होगी वो कौन बताएगा, वो हमें हमारे अकाउंट्स बताएंगे, अकाउंट्स के कुछ रूल्स बताएंगे. कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ICAI इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट हमें इशू करके देता है कि ऐसे ऐसे आपने इसके साथ ट्रीटमेंट करना है. क्योंकि हर कोई कहेगा स्कूटी की वैल्यू 40,000 हो जाएगी एक साल बाद 50,000 की जो ली थी, कोई कहेगा 45 होगी, कोई कहेगा 35, बट हमारा अकाउंट हमें क्या कहेगा वो हमें देखना पड़ेगा एक बार. तो वो इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कितने तरीके के डेप्रिसिएशन लगते हैं, तो वो सब हम इसमें देखेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू प्रोविजंस एंड रिजर्व्स. लाइफ में कई बार इमरजेंसीज होती हैं. आप लोगों के घर वाले या आप लोग भी क्या करते होगे, आप प्रोविजंस बना के चलते होगे हर चीज का. लाइक मेरे घर वाले मेडिकल प्रोविजन बना के चलते हैं कि कल को अगर कोई घर में मेजर बीमारी हो गई किसी को या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए खर्चा करने के लिए. एंड व्हाट आर माय रिजर्व्स? रिजर्व्स होते हैं जो पैसा मैं थोड़ा थोड़ा अपना हर बार बचाता रहता हूं किसी एक खर्चे के लिए. जनरली भी बचा सकते हैं या किसी स्पेसिफिक खर्चे के लिए भी बचा सकते हैं. सपोज अगर मेरे को एक दिन घर लेना है, मेरे को कोई बंगलो लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर महीने जो कुछ भी कमा रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके बचाता रहूंगा और उस पैसे को मैं क्या कहूंगा, रिजर्व्स कहूंगा. राइट? तो प्रोविजंस में क्या फर्क होता है और रिजर्व्स में क्या फर्क होता है, इन दोनों के डिफरेंसेस को हम समझेंगे, देखेंगे. एंड ये क्यों जरूरी होते हैं अकाउंटेंसी में, क्या हम ये जरूरत के वजह से बनाते हैं या फिर हम अपनी मर्जी से बनाते हैं या हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ कहते हैं, तो हम देखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर, आगे पढ़ेंगे इसके अंदर. नाउ कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आई नो ये बिल्कुल न्यू लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें तो समझ भी नहीं आ रहा, हमने तो बस आज तक कपड़े एक्सचेंज कराए हैं शोरूम में जाके और वो बिल मांगते हैं, क्या ये आप उस बिल की बात कर रहे हो? नहीं, ये मैं उस बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ और चीजें हैं. न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा. इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में आपको तब बताऊंगा. नाउ कमिंग ऑन टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी हाथ खड़ा करता हूँ, जिंदगी में किस किस ने गलती करी है, मैंने भी करी है, सब ने करी है, ह्यूमंस हैं हम, ह्यूमन से गलतियाँ होंगी, तो ह्यूमन से गलतियाँ करेंगे, गलतियों को सुधारेगा भी कौन, हम ही लोग सुधारेंगे. तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या करते हैं, अगर किसी अकाउंटेंट से गलतियाँ हो जाती हैं तो हम गलत अकाउंट्स के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, हम हमेशा अपनी गलतियों को सुधारेंगे. तो इसके अंदर हम देखेंगे अगर कई बार गलतियाँ कर दी तो कैसे उनको सुधारना है, क्या उनका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए और क्या गलत था. दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, गलत जानना कि गलत क्या था और उसको सही कैसे करना, तो ये दो चीजें जरूरी हैं इसके अंदर, ये हम सीखेंगे और करेंगे. देन कम्स
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, द फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन क्लास 11, विच इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, आप जितने भी ये छोटी छोटी चीजें, पहले लेटर सीखे, फिर वर्ड सीखे, फिर फ्रेजेस सीखे, अल्टीमेटली किसके लिए सीखे, कि हम पैराग्राफ बना पाए, कुछ बहुत बड़ा लिख पाए या बन पाए या बोल पाए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दो चैप्टर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट. कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, कई बार करनी पड़ती हैं, लाइफ में भी करनी पड़ती हैं, अकाउंट्स में भी करनी पड़ेगी, सब जगह करनी पड़ती हैं. तो हम ये करेंगे इसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये मेजर पार्ट है. इसका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा इसका क्वेश्चन, हो ही नहीं सकता किसी भी बोर्ड में या किसी भी पेपर में, किसी भी बच्चे के स्कूल में इसका 8 नंबर का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन एट द ईयर एंड ना आए, ये आएगा ही आएगा. देन कमिंग ऑन टू सिंगल एंट्री सिस्टम, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो सिर्फ आपके साथ 11th में रहेगा, उसके बाद ये जनरली नहीं आता है. सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत कम अकाउंटिंग फर्म्स फॉलो करती है, बहुत कम फर्म्स फॉलो करती हैं, इसके अंदर ज्यादा फर्म्स नहीं करती, 99.5% फर्म्स जो होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती हैं, जो कि हम 13th चैप्टर तक करते आ रहे थे अभी तक. ये 14th टॉपिक जो हमारा नया टॉपिक है, 13th तक जो कर रहे थे वो डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं हम उसे. अगर आप टी एस ग्रेवाल लोगे या डी के गोयल लोगे तो आपकी बुक का नाम भी डबल एंट्री बुक कीपिंग है, बट उन्होंने भी धोखा कर दिया, एक चैप्टर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का दे दिया, जो कि हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके अंदर नहीं होगा आपको, बट अच्छा चैप्टर है, आपको समझ में आएगा. अब ये हमारा अकाउंट्स का तो हो गया सिलेबस, अब 11th में जरूरी क्या है, सिंस देखो नया चैप्टर है, नया सब्जेक्ट है, सब कुछ नया होगा, आप बाकी चीजें पीछे छोड़ के आओगे, साइंस पीछे छोड़ करके आओगे, आप कॉमर्स में आ गया होगे, सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, सारे हैंड इन हैंड साथ में चलते हैं. अकाउंट्स के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, ये आपका जो होता है ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मोस्ट स्कोरिंग, इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं इसके अंदर. लेकिन मार्क्स कैसे आएंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको एक ही क्वेश्चन 10 बार भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वेश्चन करो, आपको फॉर्मेट ही नहीं पता लगेंगे क्या थे, तो आपको इंस्टेंटली क्लिक करना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन में मुझे वैसे करना है. गेटिंग इट? सो नाउ अब ये ओरिएंटेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं. अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर चल रहा है, माई नेम इज आदित्य वाधवा, और जो मेरा नंबर है वो 9354191808 है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेंशन भी कर देता हूँ. आपको पूसा क्लासेस से रिलेटेड या आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड, स्पेसिफिकली अकाउंटेंसी एंड जनरली पूसा क्लासेस, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है देन यू कैन स्पीक टू मी, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, प्रेफर करना कि मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कॉल लास्ट रिजॉर्ट रखना. सो आई थैंक यू इनफ, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर डालता रहूंगा, हर एक दो दिन में मेरा एक वीडियो आता रहेगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, एंड थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय.